एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसे आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा, ये लोग घूम के आए हैं फिफी आइलैंड और दुनिया भर के जितने भी आइलैंड्स थे सब घूम के आ गए हैं और थक चुके हैं। और अब होटल में आके फ्रेश होके निकल गए हैं दोनों कुछ खाने पीने के लिए, पेट का बंदोबस्त करने के लिए। तो चलो चलते हैं। ये देखो आ गए। यहाँ पे पता है क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है गोजा। गोजा और कुछ नहीं है भैया, ये सिर्फ हमारा लोकल मोमोज है, वो उधर दे कॉल इट गोजा। सो ये लोग अभी मोमो खरीद रहे हैं, मोमो खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे किधर चलेंगे मुझे भी नहीं पता। चलो चलते हैं इन लोगों के साथ, देखते हैं कि आगे किधर जाते हैं। तो चलो भाई मोमो ले लो और चलो आगे बढ़ो। नहीं सॉरी सॉरी, गोजा ले लो और चलो। तो ले लिया है इन लोगों ने। एंड ओ दिस इज़ द शॉपिंग स्ट्रीट, कितना ब्राइट कलरफुल है और यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये तो एकदम हमारे कुलाबा मार्केट जैसा लग रहा है। सब कपड़े कपड़े कपड़े, मेरी बेटी कुछ लाई नहीं है बाय द वे, बट हाँ इधर मिलता है। ट्रैफिक बहुत होता है हमारे इंडिया के जैसे। एंड इधर बिंदास लोग खाते खाते ही वॉक करते हैं। ये देखो दो, मतलब कितने खाओगे यार तुम लोग। अब भी वो मोमोज खा के आए और अब आ गए हैं ये लोग पाद थाई खाने। तो रास्ते पे यू नो स्ट्रीट फूड इट सीम्स इज़ वेरी गुड हियर। तो रास्ते का खाना ज़रूर खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, इट इज़ सेफ ऑल्सो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो अभी देखो कैसे पाद थाई बनता है। जिनको इंटरेस्ट है देख लो और फिर आप खुद भी घर पर बना सकते हो। मैं भी थोड़ा देख लेती हूँ हाउ इट इज़ मेड। देखा आप लोगों ने कैसे बनता है पाद थाई। मैं तो देख लिया और मैं तो ये बार बार रिप्ले करके सीख भी जाऊंगी और बना भी लूंगी। और ये देखो नाउ दे हैव कम डाउन टू बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट। बांग्ला क्यों है भाई, भगवान ही जाने। बांग्ला का तो कुछ उधर आता पता है नहीं, बट वॉट एवर इट इज कॉल्ड द बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट। दिस इज द मोस्ट हैपनिंग स्ट्रीट ऑफ फुकेट, द
दैट इज़ वॉट आई हैव बीन टोल्ड. यहाँ पे देखो क्या भीड़ है, बाप रे. इट इज़ रात को 11 बज रहे हैं वहाँ पे और भीड़ देखो, ऐसे लग रहा है कि दुर्गा पूजा चल रहा है, गणपति चल रहा है, ऐसा ही कुछ चल रहा है. तो जो भी है, तो चलो हम भी उनके साथ थोड़ा घूम फिर के देखते क्या हो रहा है. और यहाँ पे ना खाने का कुछ नहीं है, पीने के लिए बहुत कुछ है, बट बेवरेजेस बोथ एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक दोनों मिल जाएंगे. बट खाना आपको बाहर आके खाना होगा. एंड फॉर वेजिटेरियंस देर इज स्टारबक्स, देर इज मैकडोनल्ड्स, सो टेंशन की कोई बात नहीं है. एंड देर आर सम गुड रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो, बट इनसाइड द स्ट्रीट नहीं, बाहर. और स्ट्रीट के साथ साथ लगा हुआ कुछ नैरो लेन्स है जहाँ पे यू कैन ऑल्सो गो शॉपिंग. अदरवाइज दिस स्ट्रीट इज ओनली फॉर योर आईज वाला स्ट्रीट, विच I think we all know what Bangkok is for. तो चलिए चलते. But yes, at the same time, you can take your children, the whole family can walk the street together because it is lot of fun. क्योंकि बहुत शोर है, मस्ती है, गाना है, everyone is in a happy mood. So it is fun even for children to walk down the street. तो मत सोचिएगा कि मैं बच्चों को लेके कैसे जाऊँ. नहीं, आप जा सकते हो, बिल्कुल बेझिझक जा सकते हैं. और ये देखो, ये दोनों वापस आ गए हैं खाना खाने के लिए. माई गुडनेस, ऐसे लग रहा है पूरे साल का खाना ले लिया है. ओ गॉड. तो चलो इन लोगों को खाना खाने दो. और आई थिंक खाने के बाद दे आर वेरी टायर्ड, सो दे आर गोइंग टू कॉल इट अ डे. तो दे आर गोइंग टू गो एंड सिट एट द पटोंग बीच फॉर सम टाइम एंड देन दे विल रिटायर. तो हम भी उनके साथ रिटायर तो हमको करना ही पड़ेगा. ये देखो आ गए हैं पटोंग बीच में. और कल दे आर गोइंग टू गो अराउंड फुकेत. हम भी चलेंगे उनके साथ और मैं आपको दिखाने वाली हूँ फुकेत सिटी, द टेम्पल्स एंड ऑल ऑफ इट इन द नेक्स्ट व्लॉग विच विल बी कमिंग अप ऑन मंडे. सो अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू. एंड यस, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बैंकॉक अच्छा लग रहा है तो दो बार थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा प्लीज़. And on that note, bye bye, take care. So yes, hamara next vlog will be coming. Hey, I meant Monday. Bola kya? Nahi, Monday ko nahi. Sorry, on Thursday. So the next vlog, jo hum dikhane wale hai Phuket ka, jo ye log ghumne wale hai, that will be on Thursday. Until then, bye, take care, see.